प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से और देख रहे हैं शोमैन राज कपूर की जन्म शताब्दी पर उनके द्वारा बनाए गए फिल्मों का संक्षिप्त में विश्लेषण और ये फिल्में कितनी रेलेवेंट हैं आज के दौर में। करेक्ट, पिछली बार हमने चर्चा की थी फिल्म बरसात की, जो राज कपूर की बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफल फिल्म थी शिफाली। आज चर्चा करेंगे अपन आवारा की। आवारा को अक्सर राज कपूर की सबसे सफल फिल्म के रूप में जाना जाता है। आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूं, आसमान का तारा हूं, आवारा हूं। इसकी सहज कथा शैली और सुरुचिपूर्ण प्रोडक्शन डिजाइन ने राज कपूर को एक अभिनेता और निर्देशक के रूप में तुरंत पहचान दिलाई थी। फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी छायादार सड़क पर भूख से मर रहे एक बच्चे की छवि के साथ होती है, जो क्रेडिट टाइटल्स शुरू होने के साथ ही सड़क से गंदगी में पड़े हुए टुकड़ों को खाता है। यहाँ पर हमें शहरी गंदगी और गरीबी की एक परिभाषित छवि दिखाई देती है। यस, ये सीन बंबई की महानगरीय सेटिंग में पिक्चराइज होता है, जहाँ फिल्म का नायक राज उसको बेघर कुत्ते की तरह खाली खतरनाक सड़कों पर लात मारी जाती है। और जैसे जैसे फिल्म का बाकी भाग सामने आता है, कुत्ता आज़ादी के बाद के भारत में सामाजिक अपमान, बेरोजगारी और गरीबी का प्रतीक बनकर उभरता है। कितनी अजीब बात है, तू भी आवारा है, मैं भी आवारा हूं, तू भी बेनाम, मैं भी बेनाम, तू भी बेघर, मेरा भी कोई घर बार नहीं। फिल्म की कहानी को उलट फेर और ट्रैजिक सर्कमस्टांसेस के द्वारा पेश किया जाता है। राज एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ है, लेकिन उसकी परवरिश फिल्म में जग्गा डाकू के साथ समाप्त होती है, जो चाहे कितना भी विकृत रूप में हो फिर भी उसका पालन पोषण करता है। मुझे तेरे बाप का एक पुराना कर्जा चुकाना है। तब तो तुम मुझे जरूर कहीं काम दिला सकते हो। काम? कैसा काम? कैसा भी हो, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी माँ बीमार है, हमारे यहाँ कुछ भी खाने को नहीं है, आप कैसा भी काम दिला दीजिए, मैं बर्तन मानूंगा, झाड़ू दूंगा, बोझ उठाऊंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मगर मुझे काम दिला दीजिए, मुझे काम दिला दीजिए। उल्लू, काम बेवकूफ करते हैं, तू समझदार लड़का है, समझदार होकर काम की बातें करता है। काम नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे, माँ को कैसे खिलाऊंगा? चोरी करके। चोरी? अब इधर जज रघुनाथ के पास निर्णय की कमी है और वो जग्गा को उसकी अनुचित सजा के कारण बर्बाद कर देते हैं। जज रघुनाथ अपने परिवार के प्रति अपने कानूनी दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। फिल्म में ऐसे ही दिखाया गया है। फिल्म आवारा अक्सर पिता को असली अपराधी के रूप में चित्रित करता है। शिफाली, रघुनाथ की चाल भारी दिखते हैं हम फिल्म में और बोझिल है। शुरुआती दृश्यों में कैमरा उसे इस तरह फ्रेम करता है जो उसे मेगालोमेनिया और पाखंड के रूप को उसके वो रिप्रेजेंट करता है। भैया रघु, इस तरह तुम यहाँ अदालत में आपस से बात होते रहे तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो डर है तुम्हारा मजिस्ट्रेट का चांस भी कहीं गड़बड़ में ना पड़ जाए। मजिस्ट्रेट का चांस, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसे वकील को कौन मजिस्ट्रेट बनाएगा जिसकी बीवी के चाल चलन पे शक किया जाता हो? रघु, इसके बारे में सारा शहर चर्चा कर रहा हो, क्या कह रहे हो तुम? अपनी बीवी के बारे में जबान से ऐसी बातें निकालते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं वही कह रहा हूं जो सारी दुनिया कह रही है। दुनिया बाकी है तो बाकी दो। ठीक कहते हो दुबे, मेरा भी यही उसूल रहा है, दुनिया बाकी है तो बकने दो। लेकिन उस शक को कैसे निकालूं जो एक चोर की तरह छिपा बैठा है खुद मेरे ही मन के अंधेरे में। तो फिर अब जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कैमरा इस स्थिति को उलट देता है और हम जज रघुनाथ को टॉप एंगल से देखते हैं, जिससे उनकी पोजीशन बौनी लगती है। वो बहुत छोटे दिखते हैं। फिल्म के अंत में पिता और पुत्र आमने सामने होते हैं और राज का कद बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
तुम रो रहे हो? हाँ रो रहा हूं, उस बाप के नसीब पर जो बेटा पाकर भी उसे खो बैठा, जिसने अपने हाथों से अपनी बीवी का सुहाग उजाड़ दिया। उस दुनिया के हाल पर जहां गरीबी की गोद में अपराध पलता है, बाप के होते हुए भी लड़का अनाथ कहलाता है और उम्र भर तरसता रहता कि कोई उसे बेटा कहकर पुकारे। रघुनाथ अपनी गर्भवती पत्नी लीला के साथ क्रूर व्यवहार करके एक तूफानी रात में उसे बाहर निकाल देते हैं। बोलिए बोलिए, मेरी हालत आप देख रहे हैं, मुझे मुझे डर है, मैं मां बनने वाली हूं, आपके बच्चे की मां, दया कीजिए, यह आप ही का बच्चा है, ये बच्चा आप ही का है। दरअसल ये घटना महाकाव्य रामायण की ओर संकेत करती है शिफल, जहां रावण द्वारा अपहरण किए जाने के बाद राम ने अपनी पत्नी सीता को अरण्य में जंगल में भेज दिया था। तो क्या तुम भगवान राम से भी पढ़कर मत भूलो कि तुम्हें सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। राज कपूर ने रामायण के कई संदर्भों को शामिल किया है। रघुनाथ राम का दूसरा नाम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आवारा की सेटिंग शहरी है, जो लीला के कंटिन्यूअस पेन को अंडरलाइन करती है। एक बार रघुनाथ की कार एक घातक दुर्घटना में लीला को घायल कर देती है। नाथ, जिससे वह अंधी हो जाती है और वो रघुनाथ को पहचानने में असमर्थ हो जाती है। कौन से चाचा? जिनकी गाड़ी के नीचे तुम आ गई थी। मेरे मरने से पहले तुम आ ही गई। हाय, मैं देख नहीं सकती। नर्स, उनको मेरा नमस्कार कह दो। अब अपनी पौराणिक समकक्ष सीता की तरह लीला आस्था के अथक प्रदर्शन में अपने पति के अपराध के बावजूद उसकी पूजा करना जारी रखती है। लेकिन सीता के विपरीत लीला में सच्ची शक्ति और धैर्य का अभाव है। शायद यही कारण है कि रघुनाथ का नाम राम के नाम पर रखा गया है, लेकिन लीला का नाम सीता के नाम पर नहीं है। महाकाव्य में सीता अपनी शक्ति के अंतिम प्रदर्शन में धरती माता से उसे निगलने के लिए कहती है, जो उसकी बेगुनाही साबित करती है। दूसरी ओर लीला पूरी तरह से शक्तिहीन है, वो उन ताकतों द्वारा नष्ट हो जाती है जो बहुत बड़ी हैं और उसके नियंत्रण से परे हैं। उम्मीद है आप सभी को राज कपूर की फिल्म आवारा की ये एनालिसिस न्यायपूर्ण लगी होगी। तो बस फिल्म आवारा के विश्लेषण के फर्स्ट पार्ट को यहीं देते हैं विराम। इस फिल्म की आगे की एनालिसिस अभी बाकी है दोस्तों, जिसे आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे हम अगली बार। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए विश्व शांति दर्शन से। कोरियोग्राफ किए गए ड्रीम सीक्वेंसेस के उपयोग के माध्यम से बनाए गए सीन्स हो, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल यह है कि एक ड्रीम सीक्वेंस में जहां राज यातना ग्रह से स्वर्ग की ओर बढ़ जाते हैं।